प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात हाईकोर्ट के डायमंड जुबली समारोह को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस खास मौके पर एक डाक टिकट भी जारी किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट ने सत्य और न्याय के लिए जिस निष्ठा से काम किया है, उसने भारतीय न्यायिक व्यवस्था और लोकतंत्र को मजबूत किया है। पीएम मोदी ने कहा कि संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को दी गई जिम्मेदारी हमारे संविधान के लिए प्राण वायु की तरह है। हमारी न्यायपालिका ने संविधान की प्राण वायु की सुरक्षा का दायित्व पूरी दृढ़ता से निभाया है। कृषि कानूनों के विरोध में देश भर में बुलाया गया किसानों का चक्का जाम खत्म हो गया है। देश भर में किसानों ने वाहनों के हॉर्न बजवाकर चक्का जाम का कार्यक्रम समाप्त किया। हालांकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर अन्य जगहों पर किसानों ने चक्का जाम के दौरान राजमार्गों को बंद किया। प्रदर्शनकारी किसानों ने देश भर के नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को जाम किया। चक्का जाम के मद्देनजर दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया। दिल्ली NCR में 50,000 के करीब जवानों की तैनाती की गई और लाल किले को छावनी में तब्दील किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे, जहां JP नड्डा ने पश्चिम बंगाल के नदिया में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। इससे पहले JP नड्डा ने मालदा में एक जनसभा को संबोधित किया। मालदा में रैली को संबोधित करते हुए JP नड्डा ने कहा, पश्चिम बंगाल के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित रखा गया है, लेकिन अब चुनाव नजदीक आ गया है तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम पश्चिम बंगाल के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिलाएंगे, उस पर रोक नहीं लगाएंगे। लेकिन ममता दीदी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई है। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा को लेकर पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की पुलिस को तलाश है। दीप सिद्धू के फेसबुक अकाउंट से लगातार वीडियो डाले जा रहे हैं, जिसमें वो किसान नेताओं और आंदोलन को लेकर बयानबाजी कर रहा है। अब दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि दीप सिद्धू का फेसबुक अकाउंट उसकी एक महिला दोस्त हैंडल कर रही है। वो विदेश से ही दीप के वीडियो फेसबुक पर अपलोड करती है। दीप सिद्धू अपने वीडियो रिकॉर्ड करके महिला मित्र को भेजता है। दीप की तलाश में क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की कई टीमें लगी हैं। उस पर 1,00,000 रुपए का इनाम रखा गया है। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने जेल में बंद पंजाब के किसानों को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री की ये जिम्मेदारी है कि वो दिल्ली आए और पंजाब के निर्दोष युवाओं पर दर्ज मामले को वापस करवाएं। पंजाब के युवाओं को बिना FIR दर्ज किए जेल में रखा गया है, इसीलिए ये पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उन युवाओं की मदद करे। वही केंद्र सरकार पर हमला करते हुए शिरोमणि अकाली दल सांसद ने कहा कि भारत सरकार ये समझने की भूल कर रही है कि ये आंदोलन केवल पंजाब का है, आज पूरा देश इस कानून का विरोध कर रहा है। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग उठ रही है। इसके लिए सोशल मीडिया पर #भारतरत्न4रतनटाटा कैंपेन चलाया जा रहा है। हालांकि अब खुद टाटा ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करके ये कैंपेन रोकने का निवेदन किया है। रतन टाटा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, सोशल मीडिया पर एक तबके के लोगों की ओर से मुझे एक अवार्ड देने की मांग उठ रही है। मैं आपकी भावनाओं की सराहना करता हूं, लेकिन विनम्र अपील है कि ऐसे अभियान को बंद कर दें। मैं भारतीय होने और भारत के विकास और सफलता में योगदान देने के लिए खुद को भाग्यशाली मानता हूं। भोपाल जिला कोर्ट ने 8 साल पुराने रैंगिंग और खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में 4 लड़कियों को 5-5 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने चारों लड़कियों पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल 2013 में भोपाल के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में रैंगिंग से तंग आकर अनिता शर्मा नाम की लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया था और फैसले में निधि, दीप्ति और कृति और देवांशी को जेल भेज दिया था। सबूतों की कमी की वजह से कॉलेज के अध्यापक मनीष को बरी कर दिया गया। बिग बॉस 14 में इन दिनों खूब बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है और इससे अब शो के होस्ट सलमान खान काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें सलमान खान घर वालों की क्लास लगाते हुए दिख रहे हैं। यानी कि इस वीकेंड के वॉर में सलमान खान तमाम घर वालों को सबक सिखाने वाले हैं। इस वीडियो में सलमान खान घर वालों से बात करते हुए उन्हें फटकार लगाते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा वो राखी सावंत को घर से बाहर का रास्ता भी दिखाने वाले हैं। बीते एपिसोड में राखी की बदतमीजियों को देखते हुए सलमान उनकी क्लास लगाने वाले हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। दूसरे दिन के खेल में इंग्लैंड की टीम ने 530 रन का आंकड़ा पार कर लिया है और 8 विकेट गंवाए हैं।
साथ ही इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने अपने करियर का पांचवा दोहरा शतक जड़ा है। रूट विश्व के ऐसे पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक जड़ा है। इससे पहले कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं कर सका है। वहीं डेब्यू मैच खेल रहे नदीम ने सेट बल्लेबाज बेन स्टॉक को 82 रनों और इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को 218 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इंडियन प्रीमियर लीग की 18 फरवरी को होने वाली नीलामी के लिए 1097 खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसमें दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर समेत 1097 खिलाड़ी हैं। बीसीसीआई के मुताबिक कुल 814 भारतीय और 283 विदेशी खिलाड़ियों ने नीलामी के लिए अपना नाम दिया है। अंग्रेजी वेबसाइट के मुताबिक ऑलराउंडर अर्जुन तेंदुलकर ने 18 फरवरी को होने वाली नीलामी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। उन्होंने बेस प्राइस 20 लाख रुपए तय की है। अर्जुन तेंदुलकर आईपीएल की चैंपियन मुंबई इंडियंस के नेट बॉलर रहे हैं। वो इस साल मुंबई की ओर से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल चुके हैं।